हेलो ब्रिवन, नमस्कार। आइए देखते हैं अपने अगले स्टॉक के बारे में। अपना जो अगला स्टॉक है ब्राइटकॉम ग्रुप है। ब्राइटकॉम ग्रुप की बात करें, देखा जाए तकरीबन 122 रुपया 123 रुपया करीब में गया था ये, और देखा जाए अभी कितने में चल रहा, 15 रुपया 80 पैसे पे चला है, तो बहुत ज्यादा कम प्राइस पे चल रहा है। अभी देखा जाए कंसोलिडेट करके ऊपर की तरफ जाने की संभावना है इसकी, बट इसकी पूरी फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे आपके साथ में। उसके बाद आपको डिसाइड करना है इसमें एंट्री लेना है कि नहीं लेना है, लेना कितने समय के लिए लेना है, ये पूरा एनालिसिस करेंगे आपके साथ में। इसके पीएनएल की एनालिसिस करेंगे, बैलेंस शीट की एनालिसिस करेंगे। उसके पहले चैनल पर ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपका सपोर्ट बना रहा। तो आइए चलते हैं स्क्रीनर.com पे देखते हैं। ब्राइटकॉम ग्रुप देखा है तो करंट मार्केट का देखा है 3180 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस देखा 15 रुपए 80 पैसे पे चल रहा है, 36 रुपए 80 पैसे का हाई लगा है, 9 रुपए 27 पैसे का लो लगा है। चलिए इसकी कुछ खास बातें देख लेते हैं। खास बातों में देखा है कि ये डेप्ट फ्री हो चुकी है कंपनी का, तकरीबन इसके ऊपर खर्चा जितना था सब समाप्त हो चुका है। और सीएजीआर रिटर्न की बात करें 27.5% का सीएजीआर है, तो अच्छा खासा 25% के ऊपर तो अच्छा खासा सीएजीआर माना जाएगा। तो कंपटीटर की बात करें तो ओरेकल फाइनेंस सर्विस है, पीबी इन्फोटेक है, टाटा एलेक्सी है, टाटा टेक्नोलॉजी है, ये सब आईटी सेक्टर की कंपनियां। देखिए कितनी बड़ी बड़ी वैल्यूएशन वाली कंपनियां हैं। तो ये भी कंपनी अब डेप्ट फ्री हो चुकी है, तो आगे चल के केपीआईटी टेक्नोलॉजी आगे चल के ये भी अपना ग्रो करेगी, आगे बढ़ेगी। तो क्वार्टरली रिजल्ट की बात हम नहीं करेंगे, बात करेंगे एनुअली रिजल्ट की, ईयरली रिजल्ट की बात करेंगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म के व्यू से एनालिसिस कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखा जाए डाटा आपको मिलेगा 2012 से। 2012 में नेट प्रॉफिट कितना था, 192 करोड़ का। 2013 में कम हुआ, 2014 में 221 करोड़ का हुआ। प्रॉफिट में इसी कमी नहीं आई, 342 करोड़, 400 करोड़, 429, 407, 444, 440, 483 करोड़। मार्च 2023 में 912 करोड़, मार्च 2023 में देखा 1371 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। मार्च 2023-24 की बात 1415 करोड़ का प्रॉफिट अभी तक दिखा रहा है। सूची प्रॉफिटेबल कंपनी, हर साल प्रॉफिट कर रही है, डाटा तो गलत नहीं बताएगा। तो बाकी इसकी बैलेंस शीट देखते हैं, बैलेंस शीट क्या कहता है, तो बैलेंस शीट पे चलते हैं। बैलेंस शीट का भी डाटा आपको 2012 से मिल जाएगा। बैलेंस शीट में देखा जाए तो इक्विटी कैपिटल 95 करोड़ का, ओके 2012 में जो था, जो बढ़ के अभी तक मार्च 2021 में 102 करोड़ का हुआ, मार्च 2022 में 404 करोड़ का हुआ इक्विटी कैपिटल, मार्च 2023 में 404 करोड़ का इक्विटी कैपिटल, जो 95 करोड़ से बढ़ के तकरीबन 4 गुना बढ़ाया है इक्विटी कैपिटल। वहीं रिजर्व एंड सरप्लस की बात देखें तो आप देखिए 800 करोड़ से बढ़ के कितना हुआ, 6597 करोड़, तकरीबन 8 × 64 बोल तो 8 गुना से भी ज्यादा ये अपना रिजर्व एंड सरप्लस ऐड किया है। यहाँ से देखिए कितनी तेजी से बढ़ा, 2020 में 2731, 2021 में 3158, 2022 में 4891, 2023 में 6597। जहां तक अनुमान है देखा जाए तो 2024 का रिजल्ट आते आते तकरीबन 7000 करोड़ का रिजर्व एंड सरप्लस ऐड कर लेगा। तो देखा जाए इक्विटी कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस प्रॉफिट एंड लॉस देखा तो पीएनएल अच्छा खासा रहा है। अभी एसेट की बात किया 2012 से एसेट देखा 1700 करोड़ का जो एसेट था वो बढ़ के कितना हो गया, 7896 करोड़। मार्च 2023 का डाटा है, मार्च 2024 का तकरीबन 8000 करोड़ से ऊपर का ये आएगा आपका टोटल एसेट। जैसे इसका अब इंक्रीज हो रहा है इक्विटी कैपिटल रिजर्व अनुसार प्लस प्रॉफिट जैसे इंक्रीज हो रहा है। बट ये कंपनी अभी देखा है तो अपने जो भी कर्जा था यहाँ पे देखिए 206 करोड़ का जो कर्जा था वो अभी कितना दिख रहा है यहाँ पे, 0 करोड़ का। तो कंपनी कर्जे से मुक्त हो चुकी है, पीएनएल अच्छा खासा है, इक्विटी कैपिटल अच्छी खासी है, रिजर्व एंड सरप्लस अच्छा खासा है, एसेट भी ग्रो किया है। तो चलते हैं चार्ट पे, चार्ट क्या कहता है। चार्ट पे अगर देखा जाए तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, ये वीकली टाइम फ्रेम पे चार्ट है, ये 123 घट के आपको 115 रुपए 80 पैसे पे मिला, तो सूची कितना डिस्काउंट पे मिला, आप तकरीबन 8 गुना डिस्काउंट पे मिला। तभी आप एंट्री लेते हैं, अगर छोटी क्वांटिटी में एंट्री लेते हैं, लॉन्ग टर्म एंट्री लेना चाहते हैं, जब ये 200 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर जा रहा है तो आप लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी खासी क्वांटिटी ले सकते हैं। बट स्टॉप लॉस आपका इतना, ये स्टॉप लॉस होना चाहिए 7 रुपए करीब में। तो इसमें इतना ही है, मिलता है अगले वीडियो में, प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, धन्यवाद।